हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबको स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो में, जिसमें आज हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज के लिए कौन सा आईडी बेस्ट है। आईडी का मतलब है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो आईडीई है, आईडीई बेसिकली होता क्या है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कोई सी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम आप यहाँ पर रन कर सकते हैं। अब आईडीई हर किसी का अलग है, जैसे सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लिए आईडीई है, जैसे टर्बो सी प्लस प्लस है और कोड ब्लॉक है, देव सी प्लस प्लस है। मैंने तो भाई ये तीन देखे हैं अभी तक। और जावा के लिए भी इक्लिप्स है, एंड्रॉयड स्टूडियो, ऐप डेवलपमेंट के लिए है, और कौन सा है, मेरे दिमाग में से निकल रहा है, एक सिंपल नोट पैड है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं जावा के लिए। और काफ़ी सारे हैं यार, देखने को अगर देखने निकले तो काफ़ी सारे हमको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लिए कौन सा है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ टर्बो सी प्लस प्लस की बजाय कोड ब्लॉक विद कंपाइलर। आपको ये भी पता है कि कंपाइलर क्या होता है, तो हमको क्या करना है, हमें जो कोड ब्लॉक डाउनलोड करना है ना, वो कंपाइलर के साथ डाउनलोड करना है। और वो कैसे करेंगे मैं आपको यही बताऊंगा। आपने फर्स्ट लिंक पर क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे डाउनलोड करने के लिए। आपको करना क्या है कि मेन GW सेटअप पे क्लिक करना है। ये तो नॉर्मल है, ये विदाउट है, ये विदाउट कंपाइलर है। आपको सिर्फ ऐसा आईडी देखने को मिलेगा, उसमें उसके अंदर आपको कोई कंपाइलर नहीं दिया जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, फोर्थ नंबर पर मेन GW-setup.exe, तब क्या होगा कि ये कंपाइलर के साथ डाउनलोड होगा। और ये अप्रोक्सीमेटली 80 MB का है। आप इस पर क्लिक करिए तो आपको कुछ इस तरह से वो आपके क्रोम में डाउनलोड हो जाएगा। आपको सिर्फ इसको इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आई एग्री, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। फिर आपको ये कुछ इस तरह से आपका ये ओपन होगा। आपको क्या करना है कि न्यू फाइल क्रिएट करनी है, एम्प्टी फाइल, उस पर आप अपनी कोडिंग स्टार्ट करनी है। एज इंक्लूड मैं एक प्रोग्राम बना देता हूँ, आशुतोष भाई, वो आपके वाले ही मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें कुछ एरर आ रही थी, कंपाइलर की एरर थी। वो void main int a equal to b equal to एंड सी और सी इक्वल टू ए प्लस बी एंड प्रिंट एफ द सम इज परसेंट डी एंड सी की वैल्यू एंड गेट सी एच। इसको मैं एक बार जब रन करता हूँ, ये देखो तो रन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करिए। ये सेव करने के लिए कह रहा है, मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ। देखिए सारे जो नीचे एरर के लाइन आते हैं ना, सब हट गए। ये क्या हो गया, परसेंट डी एंड सी, ये आउटपुट क्यों नहीं दिखा रहा भाई, प्रिंट एफ सी दशमी, अरे आया था ना आउटपुट। एक बार इसको दोबारा से रन करते हैं, दशमी 24। ये थोड़ा सा हैंग हो गया था मेरा सिस्टम। ठीक है तो चलो भाई कोडिंग स्टार्ट करो अपनी। थैंक यू, इसको सब्सक्राइब करना और ना भूले। थैंक यू।